हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of May टू 5th of June। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो 26 मई टू 5th जून। यूनिवर्स प्लीज बताइए। वर्गो देखिए, हमारे पास है जजमेंट, फोर ऑफ कॉइन, स्ट्रेंथ। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है हमारे पास, आपकी एनर्जी है ये। बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास, डेफिनेटली फोर ऑफ कॉइन्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। बट उस पैसे को ना आप शायद बहुत ही बटोर के समेट के रख रहे हैं। मे बी आपके पास बहुत टाइम बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है एंड यू आर लाइक, आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मनी, अगर मैं खर्च करूंगा तो पता नहीं दोबारा कब आए। तो इस वजह से आप उसको बहुत बचा बचा के रख रहे हैं। बहुत ही कंजूसी वाली जो वाइब आ रही है मुझे, माइजर एक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ फील करते हैं या कुछ कन्वे करना चाहते हैं या कुछ फीलिंग्स है अपने अंदर जो आप बताना चाहते हैं। मे बी आप कुछ अपने बॉस को बताना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ चीज आपको पसंद नहीं आ रही बट आप नहीं बता पा रहे हो, या फिर अपने पार्टनर को आप कुछ कन्वे करना चाहते हो कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो वाली मुझे चीज आ रही है कि कुछ कन्वे करना, मे बी पब्लिक स्पीकिंग, कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, नहीं कर पा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। फोर ऑफ कॉइन्स वो वाइब आ रही है, बट पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है एंड पैसा आप खर्च भी नहीं कर रहे हो, बटोर के समेट के रख रहे हो। स्ट्रेंथ है हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने आपको बताया। काफी पेशेंस रखने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में। मे बी कोई चीज हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो मैरिज, लव हो, चाहे वो करियर हो, कोई चीज हो रही है बट स्लो हो रही है। तो उसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है कि ठीक है, लाइक थाम्बा, चीजें हो जाएंगी। थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए इस चीज का कि हाँ पॉजिटिव होगा, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे अगर आप होप लूज कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपको स्ट्रेंथ रखनी है, करेज रखना है, कन्विक्शन रखना है कि हाँ ये चीज आगे होगी, करेज रखनी है, कंट्रोल रखना है। आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि आपकी लाइफ कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में लाइक एमलेसली रैम्बल कर रही है, नहीं। आपको कंट्रोल रखना है कि हाँ अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ लेफ्ट डायरेक्शन में आगे जाए, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ राइट डायरेक्शन में आगे जाए। तो लाइफ पे कंट्रोल रखने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में। वो कैसे होगा? अपने आपको पॉजिटिव बातें बोलकर, पेशेंस रखकर, कन्विक्शन रख के कि हाँ चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड में मुझे वो वाइब आ रही है। जजमेंट है हमारे पास अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप में से कई लोग, ठीक है, नॉट फॉर एवरी वर्गो ऑफ कोर्स, बट आप में से कई लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। मे बी वो आपको बोले टू जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट एंड लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो हो सकता है वो आपसे फॉरगिवनेस मांगने के बाद ये सब बोले। अब वो कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपको उनको अपनी लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना है। बट आपको अपना पास्ट, स्पेशली अगर कोई आ रहा है सॉरी बोलने तो ठीक है, कोई नहीं आ रहा है तब भी यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। आप अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपने सीख लिया, लर्निंग ले ली, बट डर डर के मत जीना, मतलब वो बंद कर दीजिए डर के जीना कि अच्छा पुराने किसी इंसान ने मुझे धोखा दिया था, इसने भी दिया तो, उसने ये झूठ बोला था, इसने भी झूठ बोला तो, पुरानी जॉब में मेरे साथ ऐसा हुआ था, नई जॉब में भी ऐसा ही हुआ तो। तो पुरानी चीजों से सीखिए बट वो फियर साथ में लेके मत चलिए। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू हैव टू, इवन इफ समवन इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिव देम बट लेट गो ऑफ द पास्ट। उस चीज को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड मत करिए, आगे फ्यूचर में लेके मत जाइए, ठीक है। रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे, एक नया इंसान जन्म लेने की जरूरत है इनफैक्ट नेक्स्ट 10 डेज में।
करियर का मैंने आपको बताया, हेल्थ से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक में थोड़ी सी स्टिफनेस आ सकती है, थोड़ा बॉडी पॉस्चर सही रखिएगा, पिलो सही तरीके से सोइएगा रात को या दिन में, बट सोते टाइम थोड़ा सा नेक में प्रॉब्लम आ सकता है। थ्रोट प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से ही नेक में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट एंड वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मे बी बॉस के साथ, मे बी कॉलीग्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्दबाजी मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि अच्छा ओ क्या हो गया अब कैसे ठीक होगा, नहीं वो जो मुझे बोल रहा है करने के लिए मैं वो कर देती हूँ, नहीं कंट्रोल रखिए, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं, जिस स्पीड पे आगे बढ़ना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट इमोशंस में बह मत जाइएगा कि दूसरा जो आपको बोलता जाए वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आप वो करते जाओ, दूसरे की बात मानते जाओ। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस। रोज, रोमांस इज इन द एयर, बहुत सिंपल सा मैसेज है, रोमांस इज इन द एयर, ठीक है। कोई आ सकता है, एंटर कर सकता है, अगर एंटर ऑलरेडी आपकी लाइफ में करा हुआ है, कोई पार्टनर है आपका, तो आप थोड़ा रोमांटिक गेटअवे पे जा सकते हैं, कुछ रोमांटिक टाइम डेट स्पेंड कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो चाहे रिलेशनशिप हो, बट रोमांस कहते ना ग्रो कर रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट 10 डेज, 26th to 5th। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। हो सकता है कोई आपको ब्लेम करे कि आपकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज हुई, प्रोजेक्ट काम नहीं करा आपकी वजह से, क्लाइंट भाग गया आपकी वजह से, पैसे का नुकसान हुआ आपकी वजह से, या कुछ चोट लग गई किसी को आपकी वजह से। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, आप प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज के लिए कि कोई नेक्स्ट 10 डेज में आप पे ब्लेम डाल सकता है, एंड आपको कहते ना एक पॉइंटर्स पहले से ही इकट्ठे करके रखने हैं जिससे आप अपने आप को प्रूव कर पाओ कि नो दिस डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। तो वो आपको डिफेंड करने के लिए एक शील्ड रेडी रखना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। लेटर जे, लेटर वी, लेटर आई। वी जे कोई वीडियो जॉकी, वी जे कहीं पे कुछ काम करते हैं आप, रेडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। वी जे आई किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक। हमारे पास है सन एंड मून। आई थिंक कुछ रीडिंग से वर्गो के कुछ टाइम से वर्गो की रीडिंग्स में सन एंड मून साथ में आ रहे हैं, तो थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं गाइज, मूड स्विंग्स काफी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बहुत हैप्पी फिर बहुत सैड, फिर बहुत हैप्पी फिर बहुत सैड, तो ये चीजें मुझे दिख रही है। लियो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई आपकी लाइफ में, मी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में, आपको अकेले बैठ के चिल करने की जरूरत है। आई थिंक इट हैज बीन अ वाइल्ड कि आप ने अकेले बहुत ही पीसफुल टाइम स्पेंड करना होता है ना, अकेले डिनर पे जाना, अकेले घूमना, वो आपने नहीं करा है, वो आपको करने की जरूरत है। मे बी आप कैट पर्सन है, कैट्स को फीड करते हैं, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, किसी दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है। कोई टीम मेंबर मेटर्निटी लीव पे जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो दूसरों का काम आपको करना पड़ रहा है। बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से वर्गो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।